सत श्री अकाल जी सारियां नूं स्वागत करदी हां। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं सुमनप्रीत कौर अज दी इस वीडियो दे विच असीं करांगे पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, जिहड़ा कि 26 सितंबर 2021 नूं शिफ्ट 1 दे विच होया सी। जिहड़े वी स्टूडेंट पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल दे एग्जाम दी तैयारी कर रहे ने ओह इस वीडियो नूं भुल के वी ना छड्डण, क्योंकि इक तां तुहानूं पेपर दा लैवल पता लगेगा ते दूसरा तुसीं मेरे नाल जेकर एज़ अ टैसट मन के चलदे तो तुहानू तुहाडी वीकनेस का पता लगेगा कि किहड़े सब्जैक्ट दे विचों तुसी ज़्यादा वीक हो ते उस सब्जैक्ट नू तुसी ज़्यादा समा दे के पढ़ सकते हो, क्योंकि हजे भी तुहाडे कोल एक महीना पिया वा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। पेपर बहुत लेंथी होण वाला है, इस करके असीं पॉइंट टू पॉइंट ही गल करांगे। 2020 दा हॉर्नविल उत्सव भारत दे किस राज विच मनाया गया सी? हाँ जी, 2020 दा हॉर्नविल उत्सव आ जिहड़ा ये भारत दे नागालैंड दे विच मनाया गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, पंजाब दे उत्तर पूर्व विच डैश हन। हाँ जी, पंजाब दे उत्तर पूर्व विच की है? इन ऑप्शन दे विचों पंजाब दे उत्तर पूर्व दे विच आ शिवालिक पहाड़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, इन्हां विचों किस कार्ज लई इसरो ने 2020 CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया सी? हाँ जी, इसरो जिहड़ी इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम आ, जिस दी फुल फॉर्म आ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2020 CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो हाँ जी, किहड़ा सी ट्रैफिक प्रबंधन, संचारण, जां सिर्फ एक, सिर्फ दो, जां दोवें? तां इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ दो, संचार। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, IIT खड़गपुर द्वारा लॉन्च की गई कोवायरैप तकनीक दी डैश लई वरतों की जाएगी। हाँ जी, IIT खड़गपुर द्वारा जिहड़ी कोवायरैप तकनीक तैयार की गई सी उसकी वरतों किस लई की जाएगी? तो इसकी वरतों की जाएगी जी COVID-19 दे निदान लई। ऑप्शन दो इसका राइट आंसर है, सिर्फ दो, ठीक है, वी ऑप्शन राइट आ। नैक्सट है, भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2020 की मेज़बानी कित्थे हुई? हाँ जी, भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2020 की मेज़बानी है जिहड़ी ये कित्थे हुई है? तो ऑप्शन आपां अपने कोल ए बी है सामने तुहाडे, तो ऑप्शन सी भी देख लैने आ नाल। हाँ जी, ये मीटिंग जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 आ गोवा दे विच होया सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, पंजाब दी अर्थव्यवस्था दी रीढ़ दी हड्डी है। हाँ जी, पंजाब दी अर्थव्यवस्था दी रीढ़ दी हड्डी किस नूं मन्निया जांदा है? तो राइट आंसर है खेतीबाड़ी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, हेठ दिते आगूआं विचों किस नूं पंजाब केसरी वजों भी जाणिया जांदा है? हाँ जी, पंजाब केसरी दे वजों किन्हां नूं जाणिया जांदा है? लाला लाजपत राय नूं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, सिखां दा पहला गुरु कौन है जिसने सिख धर्म की स्थापना की? हाँ जी, सिखां दे पहले गुरु ने जिन्हां ने सिख धर्म की स्थापना की? श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, केड़ी चट्टान सतह ते हेठां डूंघाई ते पिघले मैगमा दे हौली हौली ठंडे होण कारण बनती है? हाँ जी, इन्हां दे विचों अग्नियुक्त चट्टान आ जिहड़ी इह सतह दे हेठां डूंघाई दे पिघले मैगमा दे हौली हौली ठंडे होण कारण बनती आ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, छिड़का सिंचाई प्रणाली नूं डैश भी कहा जाता है? हाँ जी, छिड़का सिंचाई प्रणाली नूं ओवरहैड सिंचाई भी बोलिया जाता है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, हाँ जी, अगे तुहानू बोलिया गया है कि किस विधि विच वीज़ा नू कागज़ दी एक जां एक तो वध परतां दे उपर पुंगरण दिता जाता है, जिन्हां नू जां तां नत्थी पारदर्शी बैटरी दी डिशां जां बक्सियां विच रख्या जांदा है अते एक इनक्यूबेटर जां जर्मीनेटर विच रख्या जांदा है? हाँ जी, वो केड़ी विधि आ जिस दे विच तुसी विधि दसनी आ जी, वो केड़ी विधि आ जिस उपर वीजा नू कागज़ दी एक जां एक तो वध परतां दे उपर पुंगरण दिता जांदा है? नाम तो ही क्लीयर आ, कागज़ उपर विधि। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है, ठीक है जी। नैक्सट है,
ना जी नैक्सट है केड़ा गुरद्वारा स्वर्ण मंदिर के नाम नाल मशहूर है। हाँ जी स्वर्ण मंदिर के नाम नाल मशहूर आ गुरद्वारा हरिमंदर साहिब। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है प्राणी जगत विच केड़े प्राणी रीढ़ की हड्डी के मालक हैं। हाँ जी प्राणी जगत दे विच बर्टी बरेटस प्राणी आ जेड़े यह रीढ़ की हड्डी के मालक आ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी डैन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादियाँ साहिबजादा जोरावर सिंह अते साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहीदी विच मनाया जाता है। हाँ जी साहिबजादा जोरावर सिंह अते साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहीदी दे विच जोड़ मेला मनाया जाता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है हेठ दित्तियां विचों केड़ा रोग जमीनी पानी पीण वाले पानी विच उच्च फ्लोराइड संगणन कारण हुंदा है। हाँ जी इन्हां दे विचों केड़ा रोग आ जिहड़ा जमीनी पीण वाले पानी विच उच्च फ्लोराइड संगणन कारण हुंदा है तां इह रोग आ जी फ्लोरोसिस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है हाँ जी नैक्सट एम सी क्यू असी करते हैं दूजा सिख युद्ध। हाँ जी इस दे विच तुहानू पुछिया गया है कि दूसरा सिख युद्ध विश्व दे ब्रिटिश दे विरोध दूजा सिख युद्ध ब्रिटिश दे विरोध अप्रैल 1848 विच डैश दे गवर्नर दीवान मूल राज दे विद्रोह विच आरंभ होया तां ए आरंभ होया सी जी मुल्तान। दूजा सिख युद्ध जिहड़ा अप्रैल 1848 विच मुल्तान दे गवर्नर दीवान मूल राज दे विद्रोह दे नाल आरंभ होया सी। ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। ठीक है जी नैक्सट है केड़े साल विच पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्थापना मां जिहड़ी ए हुई सी 1882 दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है प्रकाश दे कण नूं की कहिंदे हन। हाँ जी प्रकाश दे कण नूं कहिंदे आ फोटोन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है 1966 तो बाद पंजाब की राजधानी केड़ी रही। हाँ जी 1966 तो बाद पंजाब की राजधानी है जिहड़ी ये चंडीगढ़ बन गई सी। चंडीगढ़ 1966 दे विच इक केंद्र शासित प्रदेश ऐलानिया गया ते नाल ही यह हरियाणा अते पंजाब की सांझी कैपिटल बनी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है त्रिबेनी की शुरुआत किसने की जो कि हिंदू उर्दू कविता का रूप है। हाँ जी त्रिबेनी की जिहड़ी शुरुआत आ यह गुलजार ने की जिहड़ी कि हिंदू हिंदी उर्दू कविता का रूप आ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है पंजाब का किहड़ा त्यौहार प्रसिद्ध गुग्गा पीर जां नाग देवता नूं समर्पित आ। हाँ जी प्रसिद्ध गुग्गा पीर जां नाग देवता नूं समर्पित आ छपार दा मेला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है किहड़ा किला बठिंडा दे किले वजों भी जाणिया जांदा है। बठिंडे दे किले वजों भी जाणिया जांदा है किला मुबारक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी हाँ जी पंजाब विच महात्मा गांधी सरबत विकास योजना कदों शुरू की गई सी जो राज दे पेंडू खेत्रां विच लागू की गई। हाँ जी पंजाब दे विच महात्मा गांधी सरबत विकास योजना 2018 दे विच शुरू की गई सी जो राज दे पेंडू खेत्रां विच लागू की गई। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है सब तो लंबी नदी केड़ी है जो पंजाब विचों लंघती है। हाँ जी सब तो लंबी नदी है जो पंजाब विचों लंघती है वह है सतलुज क्योंकि सतलुज पंजाब के 9 जिलों विचों लंघदा। ठीक है ये तुसीं ध्यान दे विच रखना। नैक्सट है साल 2011 की मरदमशुमारी के अनुसार पंजाब की शहरी आबादी किन्ने प्रतिशत है। हाँ जी साल 2011 की जिहड़ी जनगणना वा इस दे अकॉर्डिंग पंजाब की जिहड़ी शहरी आबादी आ यह हैगी है जी 37.49%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है भारत के संविधान के इन्हां अनुच्छेदां विच्चों केड़ा संविधान विच शोध की विधि बारे चर्चा करता है। हाँ जी भारतीय संविधान के इन्हां अनुच्छेदां दे विच्चों आर्टिकल 368 आ जिहड़ा इस संविधान विच शोध विधि बारे चर्चा करता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है इन्हां विच्चों किस नूं निर्विरोध सर्वसम्मति नाल भारत का राष्ट्रपति चुनिया गया। हाँ जी सर्वसम्मति दे नाल
भारत का राष्ट्रपति चुनिया गया सी एन संजीवा रेड्डी नू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नैक्सट है जी, संसद के दो सदनों विचकार समा अंतराल डैश तो वध नहीं हो सकता। हाँ जी, संसद के दो सदनों विचकार दो सैशनों विचकार समा अंतराल है जिहड़ा ये 6 महीने तो वध नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, इन्हां विचों किस केंद्र शासित प्रदेश विच उपराजपाल इसका प्रशासकीय मुखी हुंदा है। ये मैं तुहानू बहुत बार करवाया अपने मॉक टेस्ट दे विच भी कि इन्हां विचों केंद्र शासित प्रदेश विच उपराजपाल ही इसका प्रबंधक हुंदा है। तां इह कीता जी आपां, दसो जल्दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच, चंडीगढ़ दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो पंजाब का गवर्नर हुंदा ना वह ही चंडीगढ़ का मुख्य प्रबंधक हुंदा वा। ठीक है जी, इस गल का ध्यान रखना। हाँ जी, नैक्सट असी करते हैं, केहड़ी संविधान शोध ने सिक्ख्या के अधिकार नूं एक बुनियादी अधिकार वजों स्थापित किया। हाँ जी, केहड़ी संविधानक शोध ने सिक्ख्या के अधिकार नूं एक बुनियादी अधिकार वजो स्थापित किया, तो यह 86वें संविधानक सोध ने किया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, हेठां दित्तियां विचों केहड़ी पहली लड़ी दे लीवर दी उदाहरण है। हाँ जी, इन्हां दे विचों चूला शीसा जिहड़ा एक ही आ पहली लड़ी दे लीवर दी उदाहरण आ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, जिला परिषद विच शामिल हुंदे हन। हाँ जी, जिला परिषद दे विच शामिल हुंदे आ पंचायत समिति दे सारे प्रधान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, 73वीं संविधानक शोध दे अनुसार पंचायत मैंबर बनने लई निर्धारित घट्टो घट्ट उम्र किन्नी होनी चाहीदी है। हाँ जी, 73वीं संविधानक शोध दे अनुसार पंचायती मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र 21 साल की होनी चाहीदी आ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, हेठां दित्तियां विचों भारतीय संविधान की किस अनुसूची विच संघ राज अते समवर्ती सूचियां दा वेरवा है। हाँ जी, संघ राज अते समवर्ती सूचियां दा वेरवा वा 7वीं सूची दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, भारतीय संविधान का केड़ा अनुच्छेद ये कहता है कि राज कानून सामने किसी भी व्यक्ति नूं समानता तो इनकार नहीं करेगा। हाँ जी, भारतीय संविधान का केड़ा अनुच्छेद है जो ये कहता कि राज किसी भी व्यक्ति नूं समानता तो इनकार नहीं करेगा, भारत के किसी भी प्रदेश विच कानूना की समानता की रक्षा करेगा। तो यह कहता है जी आर्टिकल 14। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हुण साडा शुरू होने वाला है मैथ ते रीजनिंग का पोर्शन, जिसनों असी बोर्ड के उपर करांगे। पोर्शन शुरू होया है मैथ का, जिसनों असी बोर्ड के उपर करांगे। मैथ मतलब 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60
इन्हां दा एलसीएम किन्ना बनेगा 120 जो इस दा एलसीएम बन गया तो इत्थे बन जाना उपर 3 ते उपर बन जाना 2 तो ये बन गया 5/120 जो इन्हों में कट करांगी तो इत्थे बन जाना 1 पहला 2 ते जाऊगा 5 दूनी 10 होंदे आ फिर 4 तो ये बन गया 1/24 भी ए ते बी आ जिहड़े ओह 24 दिनां विच रल के काम पूरा कर लेंगे ठीक है हुण मैं ए प्लस बी प्लस सी ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a plus b ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ a plus b plus c ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 upon 12 minus a plus b ਯਾਨੀ ਕਿ minus 1 upon 24 ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ 24 ਦੇਖੋ ਹੁਣ a plus b ਤੇ a minus b ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਲਾ c ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ c ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ 2 minus 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 upon 24 ਹੁਣ c ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ c ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ c ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ 2 ਕਿ c ਇਕੱਲਾ 2 ਖੁੱਡਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਦੇਗਾ ਤਾਂ 24 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਖੁੱਡਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ 24 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 48 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ b ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 20 ਔਰਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 30 ਔਰਤਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 20 ਔਰਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਆ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 2000 ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਦਿਨ 20 ਸੌਰੀ 20 ਔਰਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ 5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 400 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸਿਕ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਦੇਖੋ 20 ਔਰਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 2000 ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ 5 ਤੇ ਕਰਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 400 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 400 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਔਰਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 30 ਦੱਸਣਾ 20 ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਗਰ 10 ਜੇ 20 ਔਰਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ 10 ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ 10 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੇ 20 400 ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ 200 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 30 ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ 30 ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 20 400 ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ 600 ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ 30 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਣਾ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ 30 ਔਰਤਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ 8 × 6 = 48 ਨਾ 2 × 6 = 4800 ਰੁਪਏ 30 ਔਰਤਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4800 ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 600 ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 245 452 729 ਤੇ 927 121 208 ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਸਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ
बटा संख्यावां दी गिणती कि किन्नियां संख्यावां दा जोड़ कीता होणगे जिन्नियां संख्यावां दा जोड़ कीता उहनां दी गिणती हेठां लिख दो संख्यावां दी गिणती। हाँ जी इहदे लई तुसीं संख्यावां दा जोड़ करना 245 प्लस 455 प्लस 729 प्लस 927 प्लस 121 प्लस 208 बटा किन्नियां संख्यावां दा जोड़ कीता 1 2 3 4 5 6 तां 6 से मैं डिवाइड कर दिंदी हां ते जोड़ बणिया मेरे कोले 2682 बटा 6 जोड़ करके देख लेना 2682 ही बनूगा बटा 6 कीता तां 6 चौका 24 मगर बच गए 2 उपरों उतारेंगे असीं 8 डिवाइड करके भी देख सकदे हो ठीक है तां सब तों पहला 6 ले करांगे 6 चौका 24 मगर बच गए 2 उपरों उतारे 8 6 चौका 24 7 चौका 28 सॉरी 6 चौका 24 ठीक है ते उस तों बाद 6 5 दा किन्ना होंदा 3 फिर 4 3 जाऊगा 6 चौका 24 मगर फिर किन्ने बच गए 4 7 6 42 तां 42 मतलब पूरा पूरा कटिया गया ते बन गया जी 447 आंसर और सार भी 447 ऑप्शन सी इथे राइट आंसर है ठीक है जी संख्या हुण तो हमें सानू बहुत लेंथी लग रहा हो मेरा पर जेकर तुहाडा बेसिक क्लियर तुहानू फॉर्मूला पता तुसी थोड़ी ना ये लिखना पेपर दे विच संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां दी गिनती उत्थे किहड़े किसे ने लिखिया चेक करना असीं तां राइट ऑप्शन चूज करनी है ना तो तुसी की करोगे डायरेक्ट जोड़ कर दोगे उनियां संख्यावां दे डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे टोटल 2-3 सेकंड दे विच हो जाना तुहाडा सम ठीक है अगला प्रश्न असीं करदे हां जी अगले दे विच दित्ता होया तुहानू 39वां समां कि हेठां दित्तियां नूं हल करो हां जी 39 ते 44 दी सेम स्टेटमेंट सी कि हेठां दित्तियां नूं हल करो इस करके मैं इतने ही लिख दी स्टेटमेंट हेठां दित्तियां नूं हल करो ठीक है जी तां 39 दे विच जेकर असीं गल करिए 1.2 दी पावर 3 माइनस 0.8 दी पावर 2 दित्ती है हुण 1.2 दित्ता ठीक है तो ये मैं पहला पॉइंट रिमूव कर लेनी है पॉइंट दिता हुआ है आफ्टर पॉइंट एक डिजिट आ तो असं एक जीरो हेठा लगा ली सेम एज इट इज दिस इतने कर लेते हैं ठीक है 8.10 अपॉन पावर 2 हूँ पावर 3 का मतलब की है कि नंबर 3 बार गुणा हो रहा पावर 2 का मतलब आ कि नंबर 2 बार गुणा हो रहा ठीक है जी जो भी फ्रैक्शन गुणा होंगे ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 12 ਵਾਰੀਆਂ 144 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 288 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 144 ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 8 4 12 ਤੇ 4 2 6 3 1 7 1728 ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1728 ਹੇਠਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ठीक है माइनस 8 8 64 बटा 100 हूँ जो भी इन हल करना ये हेठा 3 0 ये हेठा 2 आ तो मैं क्या करती 1 0 उपर पा लेनी एक हेठा लगा दी हाँ क्योंकि 0 ना 0 कैंसल रहता हो ही जाना हूँ आप एलसीएम सेम ही आ गया तो आप 1000 रुपये एलसीएम ले लें 1700 सॉरी मैं रुपया बोलता 1728 माइनस 640 640 माइनस कर देगा तो इतने थोड़े को बने 8 12 चौ 8 12 चौ 4 गए 8 ठीक है फिर इतने थोड़े को रह जाना 16 इतने बने जाना थोड़े को 10 10 चौ इतने बन गया 1088 बटा 1000 हूँ देखो हेठा 3 0 आ हेठा 3 0 आ तो मैं 3 डिजिट छड़ के पॉइंट ला दी हाँ 1 2 3 पिछों डिजिट काउंट करी दे आ तो 1.088 आंसर आ ऑप्शन सी दे विच ऑप्शन सी इथे राइट आंसर है हाँ जी अगला प्रश्न सी करते हैं हाँ जी अगे तुसी देख सकते हो 4/21 दा जिथे भी दा होवे उथे असी गुणा लगा देना 1092 फिर उसका 7/13 तुसी देखो 1 3 3 7 21 7 7 कैंसल ठीक है फिर 1 4 4 2 4 8 फिर जो 2-3 डिवाइड करेंगे इतने थोड़े को बन जाना जी 5 फिर 4 फिर 6 ठीक है 54 6 तो उस तो बाद 13 से देखो 13 4 52 13 2 26 क्या आंसर आ गया साढ़े को 42 42 ऑप्शन बी पई है ऑप्शन बी इस दा राइट आंसर है अगे असी करते हैं नैक्सट सम जी अगला सवाल तुम देख सकते हो जेकर 0.42 ए बराबर लिखा जाए 0.42
स्टेटमेंट को समझो औसत का फार्मूला मैं तुम्हें पहला दस चुकी हूँ ये औसत की बना देखो औसत का फार्मूला तो मैं तुम्हें दसिया ही है पर मोस्टली सानू जो औसत की बन होंगी तो अभी कौन फार्मूला लगाते हैं देखो औसत का फार्मूला होंगे संख्यावां का जोड़ वटा संख्यावां की गिनती ठीक है ये भी फॉर्मूला होंगे औसत का तो असी की करते हैं कि औसत के नाल संख्यावां की गिनती प्लस कर गुणा कर देने हैं क्योंकि इधर डिवाइड हो रही है ना गिनती उधर जाके की होती है प्लस सॉरी इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके माइनस तो संख्यावां का जोड़ बराबर है औसत गुणा संख्यावां की गिनती ठीक है संख्यावां की गिनती ये भी फॉर्मूला बनता ना देखो ध्यान ना संख्यावां का जोड़ बराबर है औसत गुणा संख्यावां की गिनती तो संख्यावां का जोड़ हूँ आप पहली लाइन पढ़ते हैं कि गिवन है सब एक हफ्ते के पहले चार दिनों का औसत तापमान एक हफ्ता वो पहले चार दिन उन्होंने औसत तापमान पता सानू कि 37 डिग्री सैलसीयस हूँ सानू औसत तापमान का पता होना कि 37 डिग्री सैलसीयस आ संख्यावां की गिनती संख्यावां की गिनती कितनी है कितना तापमान पता पहले चार दिन का संख्यावां की गिनती भी तो चार होगी ना तो ऑप्शन इतने असं की लवेंगे कि इतने जो भी मतलब साढ़े को फॉर्मूला वो अकॉर्डिंग मैं फिल करता तो इतने मेरे को आ गया चार दिन के तापमान का जोड़ चार दिन के तापमान का जोड़ ठीक है यही तो बने जेकर तुम्हें क्लीयर होगा तो यही थोड़े लिए शॉर्ट प्रिंट बन जानी है मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ ठीक है करा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ इस करके टाइम लग रहा है तो हम देखो सत चौका 28 दो गई हाँ सर चार तीए 12 एक 14 बन गया 148 डिग्री सैलसीयस चार दिन के तापमान का जोड़ 148 डिग्री सैलसीयस बनया सेम इसे तरह दो दिन के तापमान का जोड़ कट लेंगे दो दिन का तापमान का जोड़ इतने थोड़े को बनेगा 39 गुना 2 करोगे 9 9 18 3 3 6 1 7 यह बनेगा 78 डिग्री सैलसीयस हूँ तुम्हें कितना पता लग गया 4 2 6 6 दिन का तो पता लग गया ठीक है 6 दिन का जोड़ पता लग गया ना 6 दिन का इतों सानू पता लग गया कि 6 दिन के तापमान का जोड़ कितना बनेगा इन्हों जोड़ दो 8 8 16 ठीक है 7 4 11 1 12 226 डिग्री सैलसीयस बन गया देख लो आप भी थोड़े सामने बने हैं चार दिन का जोड़ भी पता लग गया दो का भी पता लग गया तो मैं छिया का कट लिया लास्ट जेकर हफ्ते के औसत तापमान 38 डिग्री सैलसीयस आ हफ्ते का औसत तापमान 38 डिग्री सैलसीयस आ मतलब के हफ्ते से 7 दिन होंगे आ 7 दिन का तो पता वा 7 दिन का औसत तापमान 38 डिग्री सैलसीयस आ दैन तुम फाइंड करना अंतिम दिन का तापमान अंतिम दिन का पता करना वा तो देखो औसत बराबर है संख्यावां का जोड़ संख्यावां का जोड़ की है इतने हफ्ते के 7 दिन पर यह तो 6 ही है 6 दिन का तापमान पता ना 7वां मैं संडे एज इट इज रख लेनी एस पा लेनी हूँ ठीक है टोटल हो गया 7 तो इतने थोड़े को औसत तापमान भी तो थोड़ा गिवन है 38 डिग्री सैलसीयस ठीक है 38 7 मल्टीप्लाई किया 38 7 मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56 होंगे ठीक है 8 7 21 21 5 26 तो बन गया 266 इधर थोड़े को 226 डिग्री सैलसीयस प्लस संडे ठीक है तो इधर 226 है जोड़ा की हो रहा वा प्लस असी माइनस करता तो इधर आ गया थोड़े को एस तो देखो 6 6 0 26 22 4 तो आ गया 40 डिग्री सैलसीयस तापमान सानू सैलसीयस दिता तो ऑप्शन ए तुहानू फारेनहाइट च दिती होई आ तो तुसी ऑप्शन ए जल्दी च कदे भी टिक नहीं करोगे ध्यान दो ऑप्शन बी लगाओगे क्योंकि सैलसीयस पे आ ठीक है हाँ जी अगला प्रश्न असी करते हैं अगला सवाल तुसी देख सकते हो जे दित्ते संख्या 45/96 × 4 400 45/96 × 400 इसको तुसी 2/2 n × 5/m दे विच एक्सप्रेस करना ठीक है उन्हें बोलिया कि जे दित्ती संख्या 45/96 × 400 नूं सब तो आसान रूप दे विच प्रदर्शित किया जाए जिमें कि 2/n × 5/m दैन तुसी फाइंड करना भी n दा मुल की होगा तो तुसी देखो इत्थे
सेम एज इट इज असी इस नूं इस एक्सप्रेशन दे विच लिखना वा ठीक है जां एक्सप्रेस करना वा तां तुसीं देखो सब तो पहला मैं 45 नूं कट कर दवां 15 ते 45 ते 32 दी आ 96 फिर उस तो बाद तुहाडे कोल बनेगा 80 ते इहनूं जदों मैं कट करूंगी इत्थे तुहाडे कोल बन जाणा 5 दी है 15 5 ते डिवाइड कीता ठीक है हुण देखो कोई होर कट हो रिहा नहीं तां बन गया 3 बटा 32 गुणा 80 ते इहनूं जदों मैं सॉल्व करूंगी इह तुहाडे कोल बन जाणा वैसे तां तुसीं देखो 32 की हुंदा 2 दी पावर 5 ठीक है ते 80 की होऊगा 2 दी पावर 3 गुणा गुणा 10 2 दी पावर 3 गुणा 10 80 ही बनूगा ना क्योंकि 80 नूं मैं लिख सकदी हां 8 गुणा 10 हुण मैं 10 नूं भी तां लिख सकदी हां की लिखांगी 2 गुणा 5 तां देखो जदों सेम नंबर मल्टीप्लाई हुंदे आ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 5 + 3 + 1 5 ਤੇ 8 ਤੇ 1 9 ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 9 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਐਡ ਐਡ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 9 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ 8 2 1 16 8 3 24 ਤੇ 1 25 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 25 ਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 0 ਦੀ 0 8 2 16 ਤੇ 8 3 24 ਤੇ 1 25 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2560 ਠੀਕ ਹੈ 2560 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 1 ਦੂਣੀ 2 ਨੇ 2 ਦੂਣੀ 4 8 ਦੂਣੀ 16 ਨਾਲ 0 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 640 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 320 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 160 ਠੀਕ ਹੈ 160 ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ 80 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਫਿਰ 5 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਦੂਣੀ 2 ਨੇ 2 ਦੂਣੀ 4 4 ਦੂਣੀ 8 8 ਦੂਣੀ 16 16 ਦੂਣਾ 32 32 ਦੂਣਾ 64 64 ਦੂਣਾ 128 128 ਦੂਣਾ 256 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਤਾਂ 9 9 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਵਰ 9 ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 9 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ x ਨੂੰ 0.00458 ਅਤੇ y ਨੂੰ 0.00542 ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ x² y² + 2xy ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ x² + y² + 2xy ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ x + y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 10th ਕਲਾਸ ਚ x + y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x² + y² + 2ab ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10th ਤੱਕ ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ x + y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ x ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.00458 + 0.00542 ਇਸ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 5 ਤੇ 2 8 ਤੇ 2 10 ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ 5 4 9 ਤੇ 1 10 ਫਿਰ 5 5 5 5 5 10 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ 0.01000 ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0.00458 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ 0.00542 ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ 5 ਤੋਂ 10 ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 0.
ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿਓ 1 2 3 4 5 ਪੰਜ ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੰਜ ਡਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਤੀ ਆ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਡਿਜ਼ਿਟ ਬਣੇਗਾ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀ ਆ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾਤੀ ਆ ਲੱਖ ਪਾਤਾ ਤਾਂ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਦਾ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 1/100 ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक है जो एक गुणा होगा 100 ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 10000 10000 ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ 10000 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 10000 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈਠਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ 10000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ 1 ਤਾਂ ਲਗਾਤਾ ਨਾਲ 4 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ठीक है तब पॉइंट 301 का आंसर ऑप्शन डी च पया था तो ऑप्शन डी इथे राइट आंसर है आगे थाने दता हुआ है ग्राफ ग्राफ वाले सम थोड़े लिए इंपॉर्टेंट है थाने लाइन ग्राफ दता हुआ है ते लाइन ग्राफ दे विच उन्होंने थाने विद्यार्थियों दे अंक दिते हुए है मेन गल ये है कि ये सम सम प्रतिशत या औसत दे विच आंदे है तुसी टोटल जरूर देखो उन्होंने विद्यार्थियों दे अंक प्रदर्शित किए इस ग्राफ दे विच अंक हरेक महीने स्कूल के कोई 2 महीनों बाद पेपर होंगे पहला जून च हो गए फिर अगस्त फिर अक्टूबर च फिर दसंबर च फिर फरवरी से फिर मार्च च सारे विद्यार्थियों का टोटल करके इतने नंबर दसे हुए कि 355 नंबर जून च ले विद्यार्थियों ने अगस्त च 365 दसंबर च 380 दसंबर च 385 ठीक है फरवरी च 395 मार्च च 400 टोटल जो हरेक पेपर है ਇਹਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ 500 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ 500 ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੋ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ दिसंबर में जेकर असि नंबर काउंट करिए तो बन रहे हैं 385 385 दिसंबर च ले आ अगे फरवरी च हाँ जी दिसंबर च 385 नंबर ले आ ते फरवरी च किन्ने नंबर ले आ विद्यार्थियों ने 395 फरवरी च 395 ले आ इन्हां दा असि परसेंटेज कढ़ना वा मिला के मतलब टोटल करके तां इन्हां दा टोटल देखो किन्ना हो गया 5 5 10 9 9 18 ठीक है तीन तीन छे एक सात 780 बन गया हूँ जो परसेंटेज कटन का फॉर्मूला होता कि टोटल नंबर हेठा लिखो तो इतने मेरे को टोटल 1000 बन गया किमें 1000 बनिया क्योंकि जो उसका अंक आ 500 आ दसंबर के भी 500 आ फरवरी के 500 आ टोटल किन्ने बन गए 1000 तो टोटल नंबर ने लिखे आ हेठा जिन्हें नंबर आए हैं उन्ने उपर गुणा करते हैं असं 100 नाल ठीक है 2 0 नाल 2 0 कट 1 0 नाल 1 0 कट इतने आ गया 78% आंसर कि विद्यार्थियों ने 78% नंबर ले आ ऑप्शन सी इतने राइट आंसर है हाँ जी अगला सवाल असं करते हैं हाँ जी 30 फ्लैटां दी लागत 60 लाख रुपए प्रति फ्लैट सी किसी बिल्डर ने 1/3 फ्लैटां नू 15% लाभ अते 1/6 फ्लैटां नू 6% हानि ते वेचिया जो बाकी रहिंदे फ्लैटां नू वेचण तों बाद कुल 10% हानि सहन करदा है तो बाकी फ्लैटों में उस दी हानि प्रतिशत का पता करो तुसीं देखो 30 फ्लैटां दी जिहड़ी लागत आ उह किन्नी आ एक फ्लैट दे हिसाब नाल दसी होई आ कि 60 लाख आ ठीक है 60 लाख प्रति फ्लैट आ तो टोटल जिहड़ी कॉस्ट प्राइस आ उह किन्ना होवेगा जे 1/60 दा वा तो 30 किन्ने दे होणगे 1800 लख दे ठीक है किन्ने दे होणगे 1800 लख दे क्योंकि 30 गुणा 60 1800 ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 1/3 ਦਾ 1/3 ਠੀਕ ਹੈ 1/3 ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ 600 ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ 6 ਤੇ 18 ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਰੀਦੇ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ क्योंकि तुहानू पता है जदों उसने ए वाले जिहड़े फ्लैट आ विचों 1/3 हिस्सा जिहड़ा बेचिया वा जां खरीदिया वा ठीक है तां जदों इहनू बेचूगा तां उहनू 15% दा लाभ होया 15% दा लाभ ही होया ना तां इह बण गया जी 100 + 15 क्योंकि लाभ 15 दा होया बटा 100
गुणा 600 जानी कि किन्ना बनिया, गुणा 600 करके ये बन गया जी 690। जो तुसी इनू हल करोगे कापी उठा लो नाल दी नाल करी चलो। ठीक है, ये सी 1/3 की गल हुई। फिर अगे सानू कंडीशन दिती है कि उहदे विचों उहने 1/6 हिस्सा भी तो बेचिया, वह जो बेचिया तो 1800/6 क्योंकि टोटल प्राइस किन्ना वा। ठीक है, टोटल प्राइस किन्ना वा 1800 वा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस किन्ना दिता होया वा वह असी फाइंड आउट करना क्योंकि उहनू 6% की 6 हिस्सा बेचण ते 6% की ही हानि हुई आ। ठीक है, जो हानि होंदी आ ता सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला की बन जाता 100 माइनस लॉस। हूँ 100 माइनस 6 जाने के 94/100 गुणा कॉस्ट प्राइस, असी तो 6 का कढ़ रहे हैं तो 6 का कॉस्ट प्राइस की हो गया जो तो देखो 1800 तो 6 का कॉस्ट प्राइस 300 ही होगा ना, तो 6 का कॉस्ट प्राइस होया 300। दैट मीनस ये तो आ गया थोड़े को जोड़ा कॉस्ट प्राइस आ 282 रुपए उन्हना 6 का। हूँ ओवरऑल जो देखिए तो उन्हें दसिया हो कि 10% की हानि हुई आ, किन्ने परसेंट की हुई आ 10% की। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस देखिए, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस तो सानू पता ही 1800 है तो गुणा 1800 ही करांगे। ठीक है, पर 10% की हुई आ लॉस होया 100/1800 जो तुसी इनू हल करोगे ओवरऑल सैलिंग प्राइस आ गया तो 1620। हुण उन्हें तो बोलिया कि जेडे बाकी बच गए तुसी उन्हां पिछे हानि दसनी है किन्नी हुई आ, तो बाकी बचे किन्ने आ 1620। तो उन्हें पहले ही 1620 उनका ओवरऑल आ गया सेलिंग प्राइस जिदे तो 10% का घाटा खा गया। ठीक है, उहदे विचों 282 का घाटा पिया उन्हू 6% हानि ते जो उन्हू लाभ होया ये कि पिया उन्हू लाभ होया तो यह 690 रुपया जिहड़ा सेलिंग प्राइस सीगा। ओवरऑल कढ़ीए असी तो मगर बच गया 648 रुपए इनू हल करन तो बाद। यह हैगा रिमेनिंग सेलिंग प्राइस, मतलब की आ क्योंकि इसका बाकी बचे हुए फ्लैटा दे देखना ना कि किन्नी हानि हुई आ उन्हू 15 3 तो उन्हें 15% लाभ से बेचिया, तीजा हिस्सा 6वां हिस्सा उन्हें 6% हानि से बेचता, सारा बेचण मगरों उन्हू 10% की हानि होगी। हुण जिहड़े बाकी रह गए उन्हां पिछे असी हानि पता करनी आ, हजे उहदे 648 रिमेनिंग सैली प्राइ सेलिंग प्राइस आ जिहड़ा ये बच गए सी इहदे ते असी हानि कढ़नी आ। जेकर असी गल करिए इत्थे हानि दी तां तुसी देखो हानि किन्नियां ते होई आ, किन्ने बेच चुकिया वा उहो टोटल 6वां हिस्सा इत्थे बेचे आने, तीजा हिस्सा इत्थे बेचिया, जानी कि टोटल 900 कॉस्ट प्राइस उहदा हो चुकिया वा, जानी कि जिहड़ा उहदा कॉस्ट प्राइस सीगा इहदे कोरसपोंडिंग 900 बनता वा क्योंकि 600 दे उहने पहलां बेचे आ, 300 दे बाद च 900 दे विचों मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगी फिर ही पता लगेगा ना हानि किन्ने दी होई। तो हानि होगी इत्थे जी 252 की। ठीक है, हानि किन्ने दी होगी 252 की, 252 की जो हानि होगी ओवरऑल 252 की हानि हुई है ना। ठीक है, जेडे बाकी बच गए तो बटा की लगता होंगे टोटल क्योंकि असी परसेंटेज पता करनी है, गुणा 100 तो 20 नाल 20 कट जो तुसी इसनों डिवाइड करोगे 9 ते तो ये तुहाडे कोल बन जाएगा 28%। ठीक है, 28% ऑप्शन 28% इत्थे सही आ। ठीक है, देखते हैं कि ऑप्शन है 28, तो यह हैगी है जी सी ऑप्शन। ठीक है, ये तुसी याद रखना ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है 6% ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है 28%। ठीक है, हुण जेकर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी हो 10% ओवरऑल गैड उन्हू जिहड़ा हानि हुई है। ठीक है, 6% उन्हू पहला हुई है। ठीक है जी, तो किन्ने वेरी हानि होगी 2 वेरी होगी तो यह बन गया टोटल 28%। ठीक है, यह है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक मैं तुहानू हमेशा कहनी हाँ कि एग्जाम दे विच जिहड़ी यह याद नहीं रहिंदी तो मैं तुहानू इस करके आपां ट्रेडिशनल मैथड करते हैं। अगला प्रश्न, एक राशि सधारण व्याज से 5 साल 9015 6 साल 10,056 हो जाती है तो वह राशि तुसी पता करनी आ। हाँ जी, राशि का टाइम कितना दिता हुआ तुसी देखो, टाइम दिता 6 साल। ठीक है, पर हुंदी किन्ने सालां दे विच आ, 5 सालां दे विच। हुण देखो एक राशि आ जिहड़ी 6 सालां दे विच 10,054 हो जाती आ। ठीक है, फिर वो 5 सालां दे विच किन्नी हुई सी,
पांच सालों के 9015 हुई सी। इतने मैं एक साल का व्याज कढ लैनी हाँ, एक साल का ही व्याज कढ़ूंगी ना, माइनस करके एक साल का व्याज कितना लगे हाँ 1039 रुपए। ये है एक साल का व्याज, तो पांच साल का व्याज कितना वा, ठीक है, पांच साल का व्याज देख लो, क्योंकि व्याज ही लगे ना कोई राशि आ जी, व्याज लग के 9015 हुई आ, छे साल 10054 हो गई आ, जाने कि एक साल का 1039 रुपए ब्याज लग रहा, तो पांच साल का कितना लग गया, पांच साल का लगेगा 5195 रुपए, जो तो तुसी मल्टीप्लाई करोगे। हूँ जो राशि सीगी वह ब्याज लग के 9015 हुई सी ना, तो पांच साल का ब्याज बनता वा 5195, जो तो तुसी ये माइनस करोगे विच्चों, ठीक है, की करोगे माइनस करोगे तो ये तुहाडे कोले की बनेगी, देखो तुसी कितना बनूगा माइनस करन तो बाद, ये बनेगा जी 3820, मतलब वो राशि कितनी है, वह राशि है जी 3820 रुपए, ठीक है। तो देखो उम्मीद करती हूँ कि तुहानू समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर इतने राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिता गया, बार ग्राफ मुकाबले के पहले 6 ओवर हरेक टीम विच एक टीम वालों वढ़ाई गई दौड़ा की संख्या दर्शाता है, ये बार ग्राफ आ जिहड़ा कि ओवरस के हरेक टीम दियां बनाई गई दौड़ा दर्शाता है। ओवर 1 4 दौड़ा, ओवर 2 यह 14 तो उपर आ 16 तो हेठा, यानी कि 15 हो गई, ओवर 3 8 इस तरह। तो हुण इहदे विच उन्होंने पूछा कि टीम ने किस ओवर 10 दौड़ा बनाईया, हाँ जी केड़ी टीम ने केड़ी, सॉरी इहदे विच उन्होंने यही पूछा कि टीम ने किस ओवर 10 दौड़ा बनाईया, 10 कित्थे पिया ग्राफ च, देखो ये 10 पिया, ये देखो कोरसपोंडिंग ये बन रहा ओवर 5, ठीक है। तो ओवर 5 टीम इस तरह की आ जिन्हें ओवर 5 ने 10 दौड़ा बनाईया, ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, एक धन राशि ते 5 सालां विच 9% प्रति साल की दर से 5409 का सधारण व्याज प्राप्त होया, तो वह धन राशि पता करो। हाँ जी हुण देखो तुहानू सेलिंग सिंपल इंट्रस्ट पता जिदे ते व्याज लग्या 5409 रुपए, 5 सालां दे विच लग्या 9% ते लग्या, ठीक है। हुण इत्थे जिहड़े स्टूडेंट्स नू पता कि सिंपल इंट्रस्ट का फॉर्मूला हुंदा प्रिंसीपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, किहदा फॉर्मूला हुंदा है व्याज का, जाने के सिंपल इंट्रस्ट का, इत्थे उन्होंने व्याज मिल गया 5409 रुपए, ठीक है। प्रिंसीपल असी हजे पता करना क्योंकि सानू नहीं पता है, उस तो बाद रेट तो दिता हुआ, रेट हमेशा परसेंटेज दे विच हुंदा, तो किन्ना रेट दिता हुआ इत्थे 9% का, टाइम दिता 5 साल का बटा 100, 100 की है इधर की हो रहा, इधर 100 इधर हो रहा वा, डिवाइड उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, इतों असी पी कढ लैने, ठीक है। 9 ते 5 इधर गुणा हो रहे सी, इधर आके हो गए डिवाइड, पहला मैं 5 नूं ही कट करता, इतने बन गए 20, ठीक है। उस तो बाद मैं 9 ते जो कट किया 6 9 54, 9 ते जो आप कट किया तो ये तुहाडे कोले बन गए जी 6 9 54, ठीक है। तो उस तो बाद 0 1 9 आया 601 गुणा 20, 601 गुणा 20 जो तुम इस गुणा करोगे तो ये तुहाडे कोले बनेगा 12020 रुपए, ठीक है। 12020 रुपए वो राशि आ जिदे ते 5 सालों के 5409 रुपए का सधारण व्याज प्राप्त होया। हाँ जी अपनी नोटबुक चक लो, जिमें जिमें मैं बोल रही हूँ तुम उस तरह करोगे तो उम्मीद करती हाँ तुहानू बहुत ज़्यादा समझ आएगा, तो ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हेठ दित्तियां पिन्ना विच्चों सब तो वड्डी पिन केड़ी है। हाँ जी पिन्ना वाला मैं तुहानू बहुत बार बार करवाया होया कि पिन लई असी किवें देखना, देखो पिन दित्ती हुई है 6/7, फिर 2/3, उस तो बाद 20/21, फिर तुहानू दित्ती है 18/5। पहला तुसी पहलियां 2 पिन्ना चक लो 6/7 ते 2/3, इन्हां दोनों नू करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 18, 7 2 14, इन्हां चों वड्डा केड़ा 18 18, इहदे तों बणिया तां तुसी रख लो 6/7, ठीक है। जे छोटी पुछिया तां छोटा नंबर रखी चलो, जे वड्डी पुछिया तां वड्डा नंबर, फिर इहदे नाल कंपेयर करो तीजी पिन दा, तीजी पिन सीगी मेरे कोले 20/21, ठीक है। हुण 21 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करोंगे
छेकम छे छे दूनी बारह ये बन गया 126। ठीक है उस तो बाद सत्त नू भी नाल करोंगे 140। वड्डी पिन केड़ी आ गई ए वाली क्योंकि 140 ये तो बनिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुसी उपर वाला जो उपर वाला अंक लै रहे हो ना उदे उपर ही रखना तो 140 हो गया। हुण इस तो बाद तुसी अगला जिहड़ा 20/21 आया इहदा कंपैरिजन करो जो रह गई उहदे नाल 18/5 दे नाल। ठीक है जदों असीं इन्हां दोनों का कंपैरिजन करांगे तां तुसी देख सकते हो इन्हां दे कंपैरिजन करन तो बाद भी पांजा किन्ने होंदे आ 100। ठीक है भी पांजा किन्ने होंदे आ 100 इन्हां दा कंपैरिजन करके लिखता 21 नूं 18 नाल गुणा करोंगे ये होंदा 378। किन्ना होंदा 378 तां वड्डा किहड़ा बनिया 378 किहदे तो बनिया ये 18/5 तो ऑप्शन नंबर देख लो इत्थे केड़ी राइट है 18/5 पिन वड्डी आ जे छोटी पुछिया तां तुसीं इदां ही छोटी रखदे जाणा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न जे एक संख्या दे 3/5 दा 60% रेट है तो वह संख्या पता करो। हाँ जी कोई संख्या वा ठीक है आपां नूं नहीं पता कि संख्या वा तां मैं लिख ली संख्या एक्स आ जे एक्स दे दा जिथे भी लिखा होंदा असी उत्थे गुणा लैने एक्स दे 3/5 उसका अगे दा लिखिया ना एक्स दा और एक संख्या वा उहदा 3/5 मैं एक्स लै ली कि संख्या एक्स आ दा मतलब गुणा 3/5 फिर उसका अगे 60% 60 मतलब गुणा। ठीक है तो 60% का मतलब बटा 100% का मतलब होंगे बटा 100 कि 63 उन्हें लिखिया वा ना 63% है तो वह संख्या लभो तो हूँ इनू आप हल कर लें। देखो एक्स बराबर है 63 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके गुणा हो गया 100 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके गुणा हो गया बटा 3 इधर गुणा हो रहा उधर जाके डिवाइड 60 इधर गुणा हो रहा उधर जाके डिवाइड। ठीक है तुसीं इत्थे भी कट कर सकते सी पर मैं अगे जाके कर रही हाँ। देखो 0 नाल 0 कट करती जेकर असी 63 की गल करिए 63 किहदे कट हो गया 21 ते। ठीक है 63 किहदे कट होया 21 ते कट हो गया। जेकर असी 6 की गल करिए इहनू भी असी 3 ते ते 2 ते कट कर सकदी आ मैं एक 3 क्योंकि 3 नहीं 3 ते इक पहाड़े ते कट कीता 2 आउंदा ना 6 2 ते आउंदा 6 3 दूनी 6 7 आ 21 तां देखो फिर 2 ते मैं आ 5 नूं कट कर दिनी आ 10 पे आना इत्थे 5 आ जाएगा 1 दूनी दूनी 5 दूनी 10 5 5 25 ते 25 7 आ 5 5 25 25 7 आ 175 मतलब वो संख्या केड़ी आ 175 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न दित्ती गई ब्रह्मवार्ता बहुभुज विद्यार्थियों के परीक्षा अंक दर्शा रही है तो एक समूहिक ब्रह्मवार्ता वंड तो प्राप्त अंकड़ों प्रदर्शित करती है वर्ग लेटमी धुरी नाल अते ब्रह्मवार्ता खड़मी धुरी नाल दित्ती गई है मार्क्स ऑबटेन बाय 100 दे विचों आ रहे हैं तो जिहड़े मार्क्स आ इस तरह दिते हुए ने उन्होंने बोलिया कि सब तो घट विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आते हैं। हाँ जी सब तो घट विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक आ जिहड़े देख लो किहड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो देखो ग्राफ की डिग्या वा ग्राफ 65 ते डिग्या लग रहा ना 65 ते बिल्कुल डिग पिया ग्राफ। ठीक है जी तो यह जो 65 ते डिग्या वा उन्होंने बोलिया कि सब तो घट विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक किस वर्ग अंतराल दे विच हन तो यह केड़ा वर्ग अंतराल बन रहा है ये बन रहा है जी 60 तो क्योंकि 65 आ ना 60 तो 70 देख लें ऑप्शन दे विच 60 तो 70 है कोई। हाँ जी है तो ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न हाँ जी निम्नलिखित वार ग्राफ का अध्ययन करो और इस दे आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिओ। अगे उन्हें दसिया कि निम्नलिखित वार ग्राफ दे विच केड़े सालां विच VOT प्रोजेक्टा ने मालिया एकत्रीकरण विच वधेरे योगदान पाया। देखो ये तुहानू दिते हुए आ दो बार ग्राफ दो नहीं एक बार ग्राफ आ जाने कि इहदे विच जिहड़े सर्कल आ कंस्ट्रक्शन आ दो बन रहे आ। तुसीं देखो VOT प्रोजेक्ट लाइट कलर नूं दर्शा रहे आ। ठीक है BOT प्रोजेक्ट जिहड़ा उहने योगदान पाया उसनू लाइट कलर दे विच दर्शाया गया वा जिहड़ा उसने आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा कोई कलैक्शन आ वह डार्क कलर दे विच आ। ठीक है जी हुण लाइट कलर की गल हो रही है BOT की जाने कि प्रोजेक्टा ने उन्होंने पूछा कि किहड़े साल इन्होंने वधेरे योगदान पाया तो योगदान पाया ही दस्या होया ना VOT शेयर प्रोजेक्ट लाइट कलर शो कर रहा है
ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ 1848 ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ 1848 ਪਾਇਆ ਨਾ 2013-14 ਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧਾ 1848 ਹੀ ਵੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਿ 2013-14 ਚ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ 20% ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20% ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ 20% ਦਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਰੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 10% ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 396 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰੀਮਾ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਮਾ ਨੂੰ 10% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 396 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 396 ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆ ਸੀਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਰੀਮਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਮਾ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 390 ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਰਾਬਰ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 396 ਤਾਂ ਮੈਂ 396 ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਕੇ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਪਲੱਸ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਟਾ 100 ਗੁਣਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 396 ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10% ਦਾ ਹੋਇਆ 100 ਪਲੱਸ 10 ਬਟਾ 100 ਗੁਣਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਅਤੇ 10 ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ 11 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ 36 ਨਾਲ 0 ਆ ਤਾਂ 0 ਲਗਾ ਦਿਉ ਯਾਨੀ ਕਿ 360 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਨੇ 360 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਰੀਮਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜੈਕਟ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਲੱਭਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਭਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਲੱਭਣਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ 20% ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 20% ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜੇ 360 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 20% ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ 360 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 120 ਗੁਣਾ 100 ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ 3600 ਜਿਹੜਾ 100 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਭਾਗ 120 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ 12 × 12 ਬਾਰੋ 30 × 36 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 300 ਸੀਗਾ 300 ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 300 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 20% ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸ ਨੇ ਰੀਮਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦੀ 10% ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ 396 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 396 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 360 ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਨੇ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਸੀਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਮਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਪਰ ਐਗਜੈਕਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ 20% ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 300 ਮਿਲਿਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਕੂਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 6:11 ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 48% ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ 60% ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 40
क्योंकि उस दे कोरसपोंडिंग इस स्टेटमेंट्स दे कोरसपोंडिंग आंसर नहीं सही आ रहा, इस दे कोरसपोंडिंग आंसर आ रहा 52% जो ये स्टेटमेंट बोल रही है। ठीक है, इस दे कोरसपोंडिंग आंसर आया 52%, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर सीगा कितना सी, इसका एग्जैक्ट आंसर वो अपन कट के फिर अपन पता चले। हाँ जी, नगर पालिका स्कूल की नौवीं क्लास में सैक्शन ए ते सैक्शन बी के कुल विद्यार्थियों का अनुपात 6:11 है, यानी कि सैक्शन ए दे विच 6 गुणा विद्यार्थी ने, सैक्शन बी दे विच 11 गुणा विद्यार्थी ने। जे सैक्शन ए दे विच 40% कुड़ियां ने ते सैक्शन बी दे विच 48% मुंडे ने, तां दोवां सैक्शनां विच विद्यार्थी किन्ने प्रतिशत मुंडे हन। हाँ जी, किन्ने प्रतिशत विद्यार्थी है जिहड़े मुंडे हन। तो सब तो पहला तुसी देखो, आप इस स्टेटमेंट्स के कोरसपोंडिंग जे चलीए तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल जे साढ़े कोले टोटल सैक्शन ए दे विच किन्ने विद्यार्थी है, 6x आ। ठीक है, उहदे विचों किन्नियां कुड़ियां ने, 40। आपां तां टोटल मुंडे पता करने आ ना, दोवें सैक्शनां विच किन्ने मुंडे हन, तां मुंडे किन्ने होणगे 60%, जे 40% कुड़ियां तां 60% मुंडे होणगे। ठीक है, परसेंटेज दा मतलब हुंदा बटा 100, तां शिकम शिकम 36 नाल 0/100। मैं कट नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अगे जाके असीं सैक्शन ए अते बी दे स्टूडेंट्स कंबाइन करने आ। जदों असीं कंबाइन करांगे तां फिर साडे कोल की होवेगा कि असी प्लस करने हैं, फिर सानू एलसीएम लैन की जरूरत पवेगी। जेकर असी 100 एज इट इज़ रख लें तो ईजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले सैक्शन दे विचों ने क्या 48 मुंडे आ। ठीक है, 11x टोटल विद्यार्थी होणगे क्योंकि 11 गुणा मा। ठीक है, तो 48% मुंडे आ, बटा हो गया 100। जो तुसी 48 नू 11 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे, हाँ जी, जो तुसी 48 नू 11 नाल मल्टीप्लाई करोगे ये बनूगा तुहाडे कोले 528। ठीक है जी, बटा 100x। हुण तुसी जदों इन्हां नूं जोड़ करोगे तां इह तुहाडे कोले बन गया। ठीक है, इन्हां दोनों का जोड़ करोगे, जोड़ किन्ना बनूगा जी, देखो इत्थे अपने आप तुसी इक्वेशन 1 ते इक्वेशन 2 का जोड़ कर दो तां इह तुहाडे कोले बनूगा 360। हाँ जी, 360 बटा 100 प्लस 528/100। ठीक है जी, तो नाल एक्स आ बराबर कि आ जाएगा 888/100। हाँ जी, 888/100 एक्स दे। ठीक है, हूँ 888/100 ये तो आ गए टोटल विद्यार्थी आ गए 888/100। हूँ तुम्हें पता लग गया कि जिहड़ा परसेंटेज आ वह कढ़ने लई तां गुणा 100 ही करांगे, तां टोटल विद्यार्थी लैके चलो तुसीं इत्थे 888/17, क्योंकि 6+ कितना होगा 17x, 88x गुणा कर देवांगे असीं 100 दे नाल। ठीक है जी, हुण जदों आपां 100 दे नाल गुणा करके इस नूं डिवाइड करांगे 1788 नूं, ठीक है, जां 888 नूं, तां इह तुहाडे कोले बनेगा 888 नाल 2 जीरोज। ठीक है, फिर आप लै लें इतने 17 पहला तुसी देखो 17 × 5 किन्ने होंगे, 17 × 5 = 85 होंगे, तो 17 × 5 ते गया, फिर ये असी माइनस करा इतने आ गया 3 उपर उतारे 8, 17 × 17 17 × 2। ठीक है, 17 × 2 किन्ने हो, 17 × 2 हो जी इतने तुहाडे कोले 34। हुण देखो 52% आ गया, जिमें कि मैं तुहानू स्टार्टिंग दे विच दस्सिया सी कि जेकर असी स्टेटमेंट्स दे अकॉर्डिंग चलीए ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 52% ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਅਤੇ 52% ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 60% ਆ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 52% ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਊਗਾ 54.8, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਚਿੰਨਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਵਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ
कि कश्मीर दिल्ली की तुलना में ज्यादा उचाई पर है। हुण आपां देखणे आ कि इन्हां दे विच कीड़ी ऑप्शन फॉलो करती है। हाँ जी, दावा की आ, ए अते आर सच हन। हाँ जी, ए अते आर बिल्कुल सच हन। आर ए दी सही व्याख्या है। हाँ जी, आर आ जिहड़ा ओ ए दी सही व्याख्या है, बिल्कुल सही आ। ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है। जीके दे पॉइंट ऑफ व्यू तो ये तुहानू मेंटल एबिलिटी दे विच पाया होया है। अगे आ जी, हाँ जी, इत्थे तुहानू हुण कथन अते छिट्टे दित्ते हुए आ, ठीक है, जाने के स्टेटमेंट एंड कंकलूजन दे टॉपिक दे विचों ये जिहड़े सवाल आ तुहानू पाए गए आ। जेकर असी इस नूं देखिए तां इहदे विच की कंडीशन बन रही आ, चलो देखते हैं, चैक करते हैं। उन्हें बोलिया कुछ देवते शैतान हन ते कोई भी शैतान दंत नहीं है। आपां स्ट्रक्चर बना लैने आ, कुछ देवते बना ले जिहड़े की आ शैतान आ, ठीक है। कुछ देवते शैतान हन, मतलब इन्ना पोर्शन आ जिहड़े की आ शैतान आ। अगे उन्हें बोलिया कि कुछ दंत आ जिहड़े की आ, कुछ दंत तुहानू बोलिया कोई भी शैतान दंत नहीं है, कोई भी शैतान की आ दंत नहीं है, तो यह बना लिया। फिर अगे दे चुने क्या वह मैं अलग बनाता, ठीक है, कि सारे दंत रब हैं। सारे दंत की आ रब आ, कितने भी तो नहीं लिखिया कि देवते ते शैतान रब नहीं है। एक तो स्ट्रक्चर यह बन गया, दूसरे दे विच की बनिया, दूसरा स्ट्रक्चर तुसी देख सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैं तुहानू पहला बना के दसता, दूसरा स्ट्रक्चर तुहाडे कोले ए वाला बनेगा, ठीक है जी। इत्थे आ गया देवते, इत्थे आ गया शैतान, इत्थे आ जाएगा दंत विच, ते बाहर आ गया रब। कथन देखो की निकलदा, उन्हें बोलिया सारे शैताना दे रब होण दी संभावना है। हाँ जी, पहले कथन तो हो सकता सी वी सारे शैतान रब होण, दूजे कथन तो असी कह सकते हाँ कि नहीं भी हो सकता, हो सकता तो नहीं भी हो सकता नूं असी की बोलते हैं संभावना। जे संभावना ना लिखी होंदी तां मैं गलत कर देना सी, पर हुण संभावना लिखी आ तां मैं कथन वन आ जिहड़ा सही करता कि कथन वन सही आ। अगे कुछ शैतान रब हन, कि इस कथन तो देखो कुछ शैतान रब हन, इस स्ट्रक्चर तो देखिए तां बिल्कुल भी नहीं। शैतान ते रब दा तां आपस कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा, सिर्फ कंध सांझी आ, ठीक है। तो असी की कह देवे कि सिट्टा तू टू आ जोड़ा वो नहीं निकलता, पर जे पहला स्ट्रक्चर लैके जिथे संभावना दिती होंगी तो शायद ये भी निकल जाता, ठीक है। हूँ असी कहे नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए जोड़ा नतीजा वन पालना कर रहा है, पर दो नहीं कर रहा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठा दिती अखर लड़ी विच लुप्त पद पता करो। हाँ जी, हूँ तो अखर लड़ी दिती है, ये तुम लुप्त पद पता करना। जेकर तुसी देखो पी क्यू तो बाद असी दूसरा पता करना वा, ठीक है, वी डबल्यू ते वाई जैड। हुण आपां जदों लिखदे आ तां मैनूं इत्थों पता लग रहा कि वी डबल्यू एक्स वाई जैड, क्योंकि मैं पहले तो दूजे का अंदाजा इन्नी जल्दी नहीं लगा सकती जे तां मैनूं पहले दो लैटर दिते होंदे, ठीक है। जदों मैं देखिया तां इत्थों मैनूं पता लग्या कि उन्होंने पेयर लै लिया पर सेंटर वाला अक्षर छड्ड दिता, ठीक है। पेयर लै लिया पर सेंटर वाला अक्षर छड्ड दिता। सेम इस तरह मैं लिखांगी पी क्यू आर एस टी, यही प्रोसैस असी लगाते हुए जो प्रोसैस इतने लग्या, सेंटर वाला अक्षर छड्ड दिता, क्योंकि पी क्यू दिता हुआ सी, मैं पांच अक्षर लिख ले, सेंटर वाला छड्डिया, पहला तो पी क्यू पेयर बन गया, दूसरा एस टी का बनिया, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एस टी। अगला प्रश्न, सी एच एम, देखो हूँ पहला सी दिता, उस तो बाद सी तो बाद में एग्जैक्ट असी दूसरा नहीं दस सकते, पर लास्ट वाला तो देख सकते हैं ना, ई तो बाद एफ आ, ई तो बाद एफ आ, तो सी तो बाद की हुंदा डी, मतलब डी वाली ऑप्शन आनी आ, पर डी वाली ऑप्शन दो दित्ती हुई, तो अगला भी चैक कर लें, ठीक है। एच हूँ देखो जदों एच लिया, एच तो बाद की आता वा आई, मतलब इतने आई वाला आना, तो डी आई देख लो कि ऑप्शन आ, ऑप्शन सी है, तो आप टाइम नहीं खराब करना, ऑप्शन सी लगाती, ठीक है। मतलब एच आई, आई तो बाद जे, जे तो बाद के, सेम इस तरह एम एन, एम तो बाद देखो एम तो बाद एन, ठीक है, फिर एन तो बाद ओ ते पी, ए भी बन रहा वा, मतलब ऑप्शन सी इतने राइट आंसर है। अगे आ जी, हाँ जी, जेकर एम एन के पुत्र की माँ का भरा है तो एम का एन नाल की रिश्ता है।
हुण देखो आप शुरू कर लें एम एन तो, क्योंकि एन दे पुत्र, पुत्र हो गया हेठां दी जनरेशन, ठीक है पुत्र हो गया हेठां दी जनरेशन। उस तो बाद पुत्र दी मां की हुई, एन दी तां वाइफ ही हुई ना, एन दी की हुई वाइफ, प्लस दा निशान पाता क्योंकि इन्हां दे विच मजबूत रिश्ता वा, एक पेयर आ ये, ठीक है। हुण एन एन दे पुत्र, एन भी की है एक मेल, इतों पता लग गया क्योंकि ये किसी का पति आ, एन का, एन का पुत्र उसकी माँ अगे उसका भरा वा एम, ठीक है। हुण उन्हें पूछा कि एम का एन नाल की रिश्ता है, तो एम का एन नाल असी रिश्ता दसना है, तो एम का एन नाल की रिश्ता होया कि वह एम के भरा का पति है, एम की सॉरी एम की भैन का पति है, एम की भैन का पति है, तो भैन का पति ऑप्शन ए च पई है राइट आंसर, ठीक है। एम का दसना ना, एम का एन नाल की रिश्ता है, तो भैन का पति होया एम का एन नाल रिश्ता, ठीक है जी। अगे दिते हुए तरतीब का ध्यान नाल अध्ययन करो। ए गुणा, गुणा का मतलब इतों पता लग गया पिता जाने के फादर, ठीक है। फिर प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब आ, प्लस का मतलब आ धी जाने के डॉटर, ठीक है। डिवाइड का मतलब है माता, तुहानू पता लग रहा है आप पढ़ के, मदर जाने के मदर, एम लिख रही हूँ मैं इतने, ठीक है। फिर ए माइनस, माइनस का अर्थ है भरा जाने के ब्रदर, भरा अर्थ है ना माइनस का, तो भरा लिख लिया। अगे उन्हें बोलिया व्यंजक ए डिवाइडेड बी माइनस सी गुणा डी विच, ए दा डी नाल की रिश्ता है। हाँ जी, हुण ए डिवाइड बी लिखिया जाने के ए, ठीक है, ए डिवाइड बी, डिवाइड का मतलब की है मदर, ए माता, ठीक है, ए माता, क्योंकि डिवाइड का मतलब है बी, डिवाइड का मतलब है माता। माइनस का मतलब है सी, ठीक है, माइनस का मतलब की है भरा, ए माता बी, फिर भरा सी, उस तो बाद गुणा डी, गुणा का मतलब है फादर, ए फादर है डी का, ठीक है, फादर पिता। हुण देखो ए माता है बी दी, ए की आ माता वा बी दी, हेठां वाली जनरेशन च बी रख लैने आ, ते अगे बी भरा है सी दा, तां मैं सी रख लिया, ठीक है जी। फिर सी अगे पिता है, सी पिता है डी दा, सी पिता है डी दा, तां इहदा की होया पोता, ठीक है। तां हुण उहने बोलिया कि ए दा डी नाल की संबंध है, तां ए दा डी नाल की संबंध आ कि जिहड़ी जिहड़ा ए आ ओहो डी, डी की आ कि पिता दी, डी दे पिता दी माता मां ए, डी दे पिता दी माता मां ना ए, तो ऑप्शन देखो डी दे पिता दी माता है ए, ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है। अगे आ जी, हेठां दित्ती किरती नूं घण बनाउण लई मोड़िया गया है, हुण घण बनाया गया, ठीक है, घण बनाउण दे लई असीं मोड़ांगे, डाइस बनावांगे इक, हेठां दिते गए चिन्ह जोड़ियां विचों केड़ा चिन्ह विरोधी दिशा विच होवेगा। विरोधी दिशा मतलब ओपोजिट साइड्स, ओपोजिट साइड्स दे विच तुसी देखो जदों मैं डॉलर दे, डॉलर नूं डॉलर वाली साइड चक्कांगी तां कि इहदे बराबर आ जूगी, बराबर दे मतलब डॉलर ते बराबर की आ ओपोजिट होणगे, उह ऑप्शन नहीं गी। फिर इधरों एट द रेट ते परसेंटेज ओपोजिट होणगे, एट द रेट ते परसेंटेज वाली ऑप्शन हैगी आ, हाँ जी बिल्कुल हैगी, ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है, ठीक है। चक के देख लियो तो ओपोजिट साइड्स दसनिया वा कि एक दूजे के आमो सामने किहड़े होणगे। अगे तुहानू पुछिया गया हेठां दित्ती किरती नूं इक घण बनाउण लई मोड़िया गया है, अगे दित्ते विकल्पां विचों घण दा किहड़ा निरूपण सही होवेगा। हाँ जी, जदों इन्हां नूं घण बनाउण लई मोड़िया गया वा तां देखो जिहड़े फलक हुंदे आ ना, इह जिहड़े फलक हुंदे आ तां इन्हां दे विच की लगदा कि जदों इन्हां नूं मोड़दे आ कि जिहड़ियां ओपोजिट साइड्स आ उह कदे वी साडे कोले की नहीं हुंदियां गियां। ओपोजिट साइड्स आ जिहड़ियां, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया हैश, जदों मैं एट द रेट नूं मोड़ांगी ते इधरों परसेंटेज नूं मोड़ांगी, ए आमो सामने आ गए, मतलब एक साइड तां एट द रेट हो सकदा, ठीक है। इहदे नाल हुण कदे वी इहदे नाल वाला फलक आ, जिथों देखो जिथे एट द रेट आ तां इहदे नाल वाला फलक कदे वी परसेंटेज नहीं होऊगा, ठीक है, क्योंकि ये की है इहदे ओपोजिट साइड्स आ, जाने कि जिहड़ी ओपोजिट साइड्स हुंदी आ उहदे फलक दे नाल कदे भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो ओपोजिट आ गई, तो वो नाल नहीं होगी, वह फेसिस नाल नहीं लगन गए,
तो सेम इधर की तरह हैश दे नाल बराबर नहीं होगा, ये दिता हुआ ऑप्शन है बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल गलत है क्योंकि हैश के ओपोजिट है बराबर, एक दूजे के की आ ओपोजिट आ, एट द रेट के परसेंटेज ओपोजिट आ, ऑप्शन बी भी नहीं सही होंगे। ठीक है, फिर उस तो बाद जे प्लस की गल करिए, प्लस ओपोजिट आ कि डॉलर दे। ठीक है, तो प्लस आ जोड़ा कला आया डॉलर नहीं आया, एट रेट के परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन इतने सी ही राइट आंसर है। केड़ी ऑप्शन राइट आंसर है? सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इतने राइट आंसर है क्योंकि वह सामने नहीं आए गए। अगला प्रश्न है जी, छे दोस्त पी क्यू आर एस टी और यू की उम्र वक् वक् सी। हाँ जी, इन्हों की उम्र दर्शाई गई अगे, वक् वक् उम्र उन्हें बोलिया इन्ह छियां दोस्तों की। ठीक है जी, इन्हों की जो उम्र दर्शाई गई उन्हें बोलिया कि क्यू तो व्डे व्यक्तियों की संख्या, हाँ जी क्यू तो जोड़े व्डे व्यक्ति आ उन्हां दी संख्या किन्नी आ, उन्हां दी संख्या इस तो छोटे व्यक्तियों की संख्या का तीन गुणा है। यानी कि जेकर मैं इत्थे एस लै रही हाँ तो क्यू तो व्डे जिहड़े व्यक्ति आ उन्हां दी संख्या किन्नी आ, तीन गुणा, मतलब कि तीन गुणा, तीन उपर आ खजे क्यू तो एस, एस मतलब कि सब तो हेठा ही आ एक तरह नाल, क्योंकि इस तो उपर तीन व्यक्ति आ। हुण सानू नहीं पता किहड़े आ, असीं अगे देख के पढ़दे हाँ, इत्थे आ तीन व्यक्ति होर क्योंकि क्यू तो क्यों जिहड़े क्यू तो वड्डे व्यक्ति है ना उन्हां दी संख्या इस तो छोटे व्यक्तियों की संख्या का तीन गुणा है। तो इस तरह स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हुण देखो अगे क्यू तो वड्डे व्यक्तियों की संख्या, तो लाइन आप पढ़ ली अगे, पी इस तो छोटा है, मतलब पता लग गया कि पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस तो वड्डा क्योंकि पी तो इस तो छोटा आ गया। ठीक है, अगे देखो जिहड़े क्यू तो वड्डे व्यक्ति है वह की है, इस दा तीन गुणा है, मतलब की आ कि वो तो वड्डे तीन व्यक्ति होर पए आ। हाँ जी, अगे यू आर तो छोटा है पर टी तो वड्डा है। हुण ये कंडीशन दिती आ कि यू आ जिहड़ा वह आर तो छोटा वा पर टी तो वड्डा वा, हो गए पूरे जिन्ने उम्र जिन्हें दिती हुई है ना वह पूरे करते, असी एक लाइन बन गई जो कंडीशन उन्हें दिती से लगाती। हुण दूजा सब तो वड्डा व्यक्ति कौन आ दसो, दूजे नंबर पर वड्डा कौन आ, सब तो वड्डा हैगा आर, उस तो छोटा यू, उस तो छोटा टी। ठीक है, तो सब तो दूजे नंबर पर जिहड़ा वड्डा व्यक्ति है वह हैगा सी यू। अगला प्रश्न हेठां दित्ती आ किरती विच, हाँ जी हेठां किरती दित्ती हुई है तुहानू, तुसी देख सकते हो दित्ती आ किरती नू तुसी पूरा करना है। यानी कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर देखो की आऊगा, जो मैं इनू देख रही हाँ तो मैं पता लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एक बार ये जो असी घुमाया इनू तो यह निशान इधर आ गया, फिर घुमाया इधर आ गया, फिर जो घुमावे तो यह निशान इतने नहीं आऊगा। ठीक है, कुछ इस तरह जो ये निशान इतने आया तो देखो नाल ही पिछले भी रोटेट हो रहे हैं, तो स्टार इतने आजूगा क्योंकि ये निशान इधर आया तो ट्राइंगल इधर आजूगी। ठीक है जी, तो उस तो बाद जोड़ा सर्कल आ वह की करेगा उपर चलिया जाएगा, तो सर्कल का पानी भी उपर ही आ। ठीक है, सर्कल से जो पानी है वह भी उपर ही आ, तो वैसे तो सारिया ऑप्शन च उपर ही पिया वा, तुम आप देख सकते हो। तो इतने दसो हूँ फिर कि ऑप्शन राइट होगी, जो स्ट्रक्चर मैं बनाया से वो देखो कि ऑप्शन च बन रहा है, वह ऑप्शन च बन रहा ए च, क्योंकि ऑप्शन सी भी वैसे नाल दी आ पर ऑप्शन सी जो चक्कर च पानी है उपर नहीं गा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो कि राइट आंसर बन रहा, ऑप्शन ए ही बन रहा है। ठीक है जी, अगला प्रश्न असं करते हैं, उस संख्या की चोण करो जो हेठां दित्ती लड़ी विचों खाली जगह पर आएगी। हाँ जी, खाली जगह पर देखो इन्हां दे विचों केड़ा आएगा, देखो पांच तो बाद छे, छे तो बाद चौदह, चौदह तो बाद पंताली, किवें बन रहे हैं पांच छे चौदह पंताली, अगला नंबर पता करना। ठीक है, पांच छे चौदह पंताली अगला नंबर तुसी पता करना। हुण जेकर मैं गल करा पांच गुणा एक प्लस एक किन्ना बन गया छे, फिर मैं छे ही लै लवांगी, छे गुणा दो प्लस दो किन्ना बन गया चौदह, फिर आप चौदह ही लै लवेंगे, चौदह गुणा प्लस तीन ये बन गया जी पंताली। ठीक है, किन्ना बनया पंताली क्योंकि चौदह ती बयाली, बयाली प्लस तीन पंताली। हुण यही प्रोसैस असी दूसरे मैथड ते लगावांगे जो इत्थे है, देखो पहला एक ऐड एक नाल गुणा किया एक ऐड, फिर दो नाल गुणा किया दो ऐड, तीन नाल गुणा किया तीन ऐड, तो पंताली नूं असी चार नाल गुणा करांगे
प्लस चार ही ऐड करांगे। जो तुसी 45 नू चार नाल गुणा करोंगे तो ये तुहाडे कोले बनूगा जी 180, क्योंकि चार पांजा 20 हुंदे आ, ठीक है। उस तो बाद चौकम चौकी 16 ते 2 18 प्लस 4 184, जाने कि अगला नंबर 184 आएगा। तो देख लें कि ऑप्शन चा, ऑप्शन डी चा, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ जी अगले दे विच तुसी ओ नंबर पूरा करना जिहड़ा प्रश्न चिन्ह की जगह ले सके। FGIL दिता हुआ तुहानू, तो तुसी देखो FGIL जदों असी लैना तो सब तो पहला आप FGIL की गल करिए। FGIL अगला नंबर तुसी पता करना, एफ किन्ने ते हुंदा 6 ते, जी 7 ते, आई 9 ते, एल 12 ते, ठीक है। अगला नंबर तो असी पता ही करना, जदों मैं डिफरेंस चैक करदी हाँ इन्हां दोनों का तो यह बनता प्लस 1, इन्हां दा करूँगी 2, इन्हां दा अंतर चैक किया तो 3 बन गया, मतलब जिहड़ा अगला नंबर वह अंतर किन्ना होगा 4 होगा, मतलब 4 अंतर किहदे नाल होगा 16 नाल, क्योंकि देखो 6 ते 1 7 बन गया, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 ते किहड़ा नंबर आउंदा, 16 ते आउंदा है पी ABC दे विच, ठीक है। तो हुण 16 ते किहड़ा नंबर आया पी, ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जी, हाँ जी अगे देखो वाई एक्स डबल्यू वी यू टी ते प्रश्न चिन्ह की जगह तुसी दसना की आना ते पी ओ एन, जेकर आप पिछों काउंट करिए बन रहा एन ABC दे अकॉर्डिंग चलीए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डबल्यू एक्स वाई, देखो पूरी सीरीज नहीं बन रही थोड़े सामने, ठीक है की बन रहा वा। देखो इतने असी फाइंड आउट करना सी, जे असी ये तो अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग अंदाजा लगाइए कि टी यू वी डबल्यू एक्स वाई जैड मगर न आ रहे हैं सारे, पिछों सीरीज स्टार्ट हुई है, तो राइट आंसर की बनूगा एस आर क्यू, ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है, ठीक है। एस आर क्यू ही बने ना इसके कोरसपोंडिंग, राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ जी अगे है डी जे पी वी सी एच एम आर वी एफ जे एन, तो अगला नंबर तुसी पता करना, ठीक है। हुण जेकर असी इतों देखिए तो तुसी देखो पहला डी सी वी फिर ए वाला आएगा, पर ए वाली तो सारिया ही ऑप्शन आ, ठीक है, तो ए वाली सारिया ऑप्शन आ, तो इतों फिर असी की अंदाजा लगावे, फिर तुसी देखो जे दिता हुआ जे किन्ने ते आउंदा वा 10 ते, एच एच दिता हुआ एच किन्ने ते आउंदा वा 8 ते, उस तो बाद वाला अक्षर तुहानूं एफ दिता हुआ एफ किन्ने ते आउंदा 7 ते, एफ किन्ने ते आउंदा वा 6 ते, सॉरी 6 ते आउंदा, जाने कि 2-2 दा डिफरेंस आ। फिर अगला नंबर है जिहड़ा 4 ते, 4 ते आउंदा डी, मतलब इन्हां दे विचों कोई डी ऑप्शन वाला, तो डी ऑप्शन वाले सी ते डी पए आ, हुण इह वी सानूं 2 ऑप्शन मिल रही आ। तो आप तीजा डिजिट देखो, तीजे डिजिट तो चैक कर लैंदे आ, तीजा हैगा तुहाडे कोले पी, ठीक है, तीजा डिजिट की आ, सारे सारिआं दे विच देखो तीजा हैगा पी, इत्थे हैगा एम, दूसरे च हैगा जे, ठीक है। हुण तीजे डिजिट की गल हो रही आ, पी हुंदा जी 16 नंबर ते, ठीक है, एम हुंदा 13 नंबर ते, जे हुंदा 10 नंबर ते, किन्ना किन्ना डिफरेंस आ गया 3 दा, 3 दा, फिर अगला किहड़ा नंबर होगा 3 दा ही अगला होगा 7 दा, 7 ते किहड़ा हुंदा वा, ਤਾਂ 7 ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਚੁਣੋ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 32 ਤੇ 37 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ, 32 ਤੇ 37 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44 ਤੇ 37 ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਚੋਂ 7 ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਚੋਂ 7 ਗਏ 7 ਹੀ 7 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 44 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 49 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 5 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 44 ਪਲੱਸ 5 49 ਹੋਣਗੇ,
फिर इसका जो डिफरेंस चेक करिए 56 दे नाल तो वह किन्ने का बनेगा 7 का। फिर उस तो बाद असी काट का चेक करिए 56 का डिफरेंस तो बनेगा 5 का, जाने के 5 7 5 7 5 7 का डिफरेंस बन रहा। तो अगला नंबर है जिहड़ा 7 का डिफरेंस होगा। हुण देखो तुसी 32 + 5 37 37 + 7 44 44 + 5 49 49 + 7 56 56, ठीक है, 56 + 5 61 तो 61 + 7 कितना होगा 68। तो ऑप्शन नंबर इतने सी ही राइट आंसर है, ठीक है। अगला नंबर होगा 68, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला 5 6 10 18 20 40 फिर 162, इसका तुसी डिफरेंस दसना है, सॉरी डिफरेंस नहीं, इसका तुसी सही आंसर दसना है कि की बनेगा। देखो किमें सीरीज जी कंप्लीट हो रही है, पहला तुसी मैथड लगाओ डिफरेंस वाला, ठीक है, देखो लग रहा कि नहीं। तो 5 ते 1 6 देखो 5 2 जेकर आप गल करिए तो यह तुम्हें दो सीरीज़ नहीं बनिया दिख रही, 5 5 2 10 10 2 20 20 2 40, ठीक है, एक छड के देखो 5 2 10 10 2 20 20 2 40, ठीक है। फिर अगे 40 2 इदा ही सीरीज़ बनूगी। जे हल आप देखिए 6 का 6 3 18 फिर 18 3 देख लो कि होंगे 18 3 18 3 मल्टीप्लाई करो 8 3 24 तो फिर तुसी देखोगे 3 ते 1 4 ते 4 ते 2 5 जाने के 54, मतलब 54 ऑप्शन बन रही है। 54 ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन ए च, तो ऑप्शन ए इतने राइट आंसर होगा, दो सीरीज़ बन रही हैं, ठीक है। अगे आ जी हेठां दित्तियां विच्चों केड़ियां संख्यावां इन्हां दे चित्र इह तीन ज्योमैट्रिकल फिगर्स दे विच आ रहा। देखो फिगर्स तुहानूं की दित्तियां होईयां, एक सर्कल दित्ता, एक आयत टाइप दित्ता, एक ट्रायंगल दित्ती, एक रिकटेंगल दित्ती आ, ठीक है। तो इस दे विच तुहानूं टोटल 4 डायग्राम्स बन रही, उन्हें कहा कि तुसीं उही नंबर दसना वा जिहड़ा तिन्नां दे विच आवे, तिन्न दे विच आवे, किसे तिन्न दे विच किहड़े नंबर आ रहे आ। देखो एक तां 25 आ रहा वा, 25 आ रहा नहीं, 25 तिन्नां च नहीं आ रहा, 25 डायग्राम सर्कल 25 चारां च ही आ रहा, 25 की गल करां मैं, 25 चारां च आ रहा। उन्हें सानूं कंडीशन दित्ती आ कि 3 ज्योमैट्रिकल फिगर दे विच आना चाहिए नंबर, तो 3 दे विच 25 तां 4 च आ रहा, 3 च कि आ रहा, 1 26 आ रहा, 1 52 आ रहा। 26 की जो असीं गल करिए ट्राइंगल च नहीं आ रहा, बाकी सारिया च आ रहा। 52 की जो असीं गल करिए इस च नहीं आ रहा, बाकी सारिया च आ रहा, तो ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उस चित्र की चोण करो जो दिते चित्रां विच दिती गई लड़ी दे विच प्रश्न चिन्ह की थां लै सकदा। तुसीं देखो ये जो डायग्राम आ इहदे विच जे मैनूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा तो यह डायग्राम इत्थे आ गई, ठीक है। यही कल्ली इस बस कुंडी नूं ही देख लो जो ये बन रही है, कोश पुट्ठा क्वेश्चन मार्क एक तरह नाल उल्ट जा, ठीक है। फिर इसनों मैं रोटेट कराँ तो इस साइड आ गई, फिर इसनों रोटेट करांगे उपर चलिया गया, फिर इसनों रोटेट करांगे तो इत्थे आ जावेगा, ठीक है। तो इत्थे आउण जाने के पहला वाली स्थिति च ऑप्शन ए वाली स्थिति च आ जाएगा। तो ऑप्शन ए वाली स्थिति केड़ी ऑप्शन च पई आ, देखो जल्दी, ये ऑप्शन डी च पई आ, ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। अगे आ जी, हाँ जी, सही विकल्प की चोण लई करो जो किरति नूं पूरा कर सकता होवे। सही विकल्प की चोण लई तुसी देखो जिवें ऑप्शन ए फिल कर दी आ उह जिथे कट्टे हुए भाग दे विच कि ये पूरा होगा। ऑप्शन ए दे तुसी देखो 3 ही लगे हुए आ, जो किरणां जिहियां निकल रही 3 आ, बाकी जे असीं देखिए तो 4 4 आ, तां मतलब उत्थे वी 4 वाला होगा। 4 ऑप्शन पई आ, 4 वाले पई आ बी च, तां राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी केड़ी ऑप्शन च पिया वा, ऑप्शन ए च, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अगला प्रश्न, उत्तर किरति तो एक ढुकवीं किरति चुनो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। सब तो पहला तुसी देखो हिंट लो, पहला तुहानू दिता होया यह ट्राइंगल इस तरह, फिर उस तो बाद उहदा उल्ट किया होया, सेम इसे तरह तुहानू ये जो दिता हुआ है, ठीक है, ये शेप दिती हुई है। जेकर मैं इसका उल्ट करा, जेकर मैं इसका उल्ट करा तो यदा उल्ट की बनूगा, देखो इस
ध्यान नाल जेकर मैं इसका ऑल्ट करा तो इसका ऑल्ट बनेगा कुछ इस तरह का। तो यह कि ऑप्शन आ यह हैगा जी सी च, ठीक है। तो सी कि आ सी ऑप्शन ही आ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगे अजी असं प्रश्न करते हैं, अगे साडा इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो चुकिया है। हाँ जी, अगे तुसी देख सकते हो 76 की जेकर असी गल करिए ये की आ थोड़ा इंग्लिश पोर्शन आ जिहड़ा शुरू हो चुकिया है। तो भाषा जाने कि आप करिए गल तो लैंग्वेज के नाल संबंधित पोर्शन आ साडा हुण जो आया है इस दे विच तुसी की करना है कि ग्रामिकली पोर्शन तुहानू दिता होया इहदे विच कोई एरर आ जिसनों तुसी फाइंड आउट करना है। तो सब तो पहला देखो जेकर असी गल करिए इस दी, तां जदों आई डू नॉट, ठीक है, इहदे विच उन्होंने दस्सिया कि जिहड़ा इह सेंटेंस बन रहा है तो इस दे विच एरर किहड़ी आ। तो इहदे विच एरर आ जी एग्री टू दी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एग्री टू, ठीक है। एग्री टू आ जिहड़ा इस सेंटेंस दे विच एरर आ। अगला वा जी सिलैक्ट द मोस्ट, हाँ जी इस दे विच की आ कि तुसी की करना वा ब्लेयर तुहानू दिता होया इसका समानार्थक शब्द लिखना है। तो इसका समानार्थक शब्द केड़ा होगा इस दे विच, स्क्रीम, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट है जी अगे तुसी विरोधी शब्द दसना है रिपेल का। हाँ जी रिपेल का विरोधी शब्द की होगा इस दे विचों, तो यह होगा जी अट्रैक्ट। रिपेल का जेकर असी गल करिए इसका मीनिंग की है, जे सानू मीनिंग पता होंगे तो विरोधी शब्द भी दस देंगे। रिपेल का मतलब होंगे दूर करना, ठीक है। तो इसका ओपोजिट की होगा अट्रैक्ट, ऑप्शन ए इस द राइट आंसर है। नैक्सट है जी अगे तुहानू दिता होया है जिमें कि आप देखो ये की आ कि तुसी तुहानू पी क्यू आर एस सेंटेंस बनाउणा, तुसी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाउणा वा कुछ वर्ड दिते हुए आ इहदे विच, ठीक है, इन्हां नू यूज़ करके। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाउण दे लई तुसी पढ़ लैंदे आ पहलां इन्हां नू, देखो की बनेगा। तो सब तो पहलां जेकर असी गल करिए इस दे विच आई ऑफटन, आई ऑफटन तो ही शुरू करांगे ना, जाने कि आर बनूंगा। आई ऑफटन सी दैट वूमैन, ठीक है, जाने कि फिर पी बन रहा है। उस तो बाद आई ऑफटन मैं इतने वन पा दिनी हाँ फिर पी तो टू पा दिनी हाँ, ठीक है। आई ऑफटन सी दैट वूमैन, उस तो बाद वॉकिंग, ठीक है, फिर यह आएगा थ्री तो अलोंग द स्ट्रेट, तो इतने बन रहा है थोड़े को पी आर पी एस क्यू, तो ऑप्शन नंबर इतने डी राइट आंसर है, ठीक है जी। अगे थानू पुछे उन्हें राहत शब्द का अंग्रेजी विच अनुवाद। हाँ जी राहुत राहत नू असी अंग्रेजी की बोलते हैं, रिलीफ ही बोलते हैं ना, तो ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट है जी, हाँ जी अगे उन्होंने कहा कि रीड द फॉलोविंग पैसेज, इस पैसेज नू तुसी रीड करना है। तो कहते हो तो उन्होंने दिता है कि सुपर थर्टी पछड़े भाईचारे के प्रभावशाली विद्यार्थियों के विकास लई एक परोपकारी मिशन है, अते इस पहलकदमी के पिछे एक गणित विज्ञानी आनंद कुमार है। उसने अपनी पहलकदमी द्वारा बिहार विच एक चुप पुनर्जागरण की शुरुआत की जिसने समाज के पछड़े वर्गों के विद्यार्थियों विचों आई आई टी आईज पैदा किए हैं। 7 सालों तो भी घट समय विच एक स्वीपर रिक्शा चालक अते वेजमीने मजदूर दे पुत्तर तो लैके एक सुरक्षा गार्ड जा ग्रीन करियाने दी औलाद तक दे 187 विद्यार्थियों ने भारत के प्रमुख अदारियां विच जगह बनाई है। इस पहलकदमी का नाम सुपर 30 रखा गया, ठीक है, की रखा गया इस पहलकदमी का नाम सुपर 30 रखा गया। उस तो बाद उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये 30 गरीब पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शोट सूची नाल शुरू होया सी। आनंद कहता है कि ये सारे प्रतिभा विच बहुत वधिया, ये जिहड़े सारे आ मतलब कि बहुत वधिया सन। शुरू विच 30 विद्यार्थियों लई प्रबंध करना कोई आसान काम नहीं सी, पर आनंद दे परिवार ने उसकी कोशिश विच हर तरह उसकी मदद की। अगे सैकेंड पैरा, आनंद ने दूजे स्कूलों के विद्यार्थियों नू पढ़ा के पैसा कमाया, जदों कि उसकी माँ जयंती देवी विद्यार्थियों लई खाना बनाउंदी सी। विद्यार्थियों लई सिर्फ एक ही टीचा सी, सख्त अध्ययन करना।
इस तों बाद विद्यार्थियों की सख्त सिखलाई सी अते नतीजे पहले ही साल विच ही काफ़ी वड्डे हैरानी दे रूप विच सामने आए। ठीक है, उस तों बाद इसने आनंद नूं समर्पित विद्या अध्यापकां दी अपनी टीम दे नाल होर जतन करन लई प्रेरित कीता ते पिछले 7 सालां विच 182 विद्यार्थी देश दे वख-वख IIT विच दाखला लै चुके सन। फिर साल 2003 विच जदों सुपर 30 ने अपना सफ़र शुरू किया तो 30 विचों 18 विद्यार्थियों ने JEE पास की। अगले ही साल विच गिनती वध के 22 हो गई, 2005 विच 26 हो गई। इस लई रुझान नूं जारी रखदे होए 2006 अते 2007 विच 28 विद्यार्थियों ने इस नूं बनाया ते 2008 विच एक जादुई पल आया जदों नतीजा 30 विचों 30 शानदार रहा। सुपर 30 वर्ल्ड दी अख ते मारिया गया सी। आनंद ते उन्हां दी टीम लई इह इक सुपना सी। सुपर 30 ने 2009 विच इस नूं दुबारा कीता। लगातार दूजे साल 30 विचों 30 रहा सी। आनंद दा इह कहना है कि इस गल दा जोर पुछगिछ ते विकास ते होवेगा। विज्ञान ते गणित दी सिक्ख्या लई इह महत्वपूर्ण सी। फिर 2010 दे विच 10 तों बाद उसने मौजूदा 30 विद्यार्थियों चों ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਪਰ 30 ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪਾਪੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਆਨੰਦ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੜ ਵਾਲਾ ਡਕਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਆਨੰਦ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਿਦ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸੁਪਰ 30 ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ MCQ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਾਰ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ IIT ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 182 ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਜੀਨੇਸਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਿਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
अगे जी तुहाडा पंजाबी दा शुरू हो चुकिया, इन्हां दे विचों शुद्ध चुनना तुसीं, यानी कि किहड़ा वर्ड आ जिहड़ा किहड़ा शब्द आ जिहड़ा सही लिखिया होया है। तां देखो पता लग रहा है कि उसने मालिक पाउण दी कोशिश कीती आ, तां मालिक किवें पऊगा, मालिक किवें पऊगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है मालिक। ठीक है, अगला प्रश्न, सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई, ये अखाण होंदी आ ना कि जदों आपां किसे दी कोई रह लई ना होवे, बिना मतलब तो कोई आपां नूं रह दई जावे, तां आपां की कहने आ कि सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई। ये अखाण नूं असीं पूरा करन दे लई इसे तरह बोलदे आम यूज करदे आ आपां अपने घरां दे विच। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। अगे आ जी, ठंडियां छावां मानना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो। हाँ जी, ठंडिया छावां मानना इसका अर्थ की है, यानी कि सुख मिलना, सुख मानना, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सुख मिलना। अगे, जो आप नाल बीती होवे, हाँ जी बहुत शब्द दिते आ तुहानू, उसनू असीं एक शब्द दे विच संबोधित करना, मतलब इको शब्द दे विच उसका मीनिंग दसना। जो आप नाल बीती होवे इसलिए असीं वरतदे हाँ हड बीती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगे आ जी, इसका तुसी पंजाबी दे विच अनुवाद करना, राम एंड शाम बोथ आर हैप्पी, भी मतलब राम अते शाम दोवें खुश हन, इसका यही बनता ना, तो इसका बन रहा है जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नैक्सट तुहानू फिर तो काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल पैरा दिता होया है, जिहड़ा कि नॉलेज दे विच भी इंक्रीमेंट होवेगा, जिहड़ा सिख धर्म दे नाल संबंधित आ, सानू काफ़ी कुछ पता चलेगा। सिख धर्म की कीर्तन परंपरा विच भाई सत्ता ते बलवंत, काफ़ी MCQ GK दे विच भी आउंदे इन्हां दी जोड़ी का विशेष स्थान आ। काव्य ते संगीत दे माहिर इन्हां रबाबियां दी जुगल गायकी गुरचरणा विच परवान चढ़ी, इन्हां द्वारा रचित रामकाली दी वार टिक्के दी वार दा गुरु रूप श्री गुरु साहिब जी दे विच ग्रंथ दर्ज भी आ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। तां इह जिहड़ा इन्हां दी अपने फन विच मुहारत अते गुरु घर विच उन्हां दा उच्च स्थान दा प्रतक प्रमाण। इस वार दा गायन इन्हां रबाबियां ने गुरुआई दे तिलक समय गुरु अर्जन देव जी दे दरबार विच कीता। गुरुआई दी तिलक जानी कि गुरगद्दी दे विच तिलक दी रसम करदे सीगे, पहले छे गुरुआं दी कीती आ बाबा बुढ़ा जी ने। ठीक है, तां गुरु अर्जन देव जी दे दरबार विच इन्हां ने कीता सी। गुरु जोत दी एकता अते गुरु दा वख-वख रूपां विच पलटन वर्गी अध्यात्मक रमज नूं इस वार विच प्रस्तुत कीता गया। गुरु अर्जन देव जी नाल रुसना इन्हां दे हुनर दा माण सी अते बख्शिंद गुरु द्वारा मनाई भी आस भी सीगी। इन्हां दे रुस जाण तों गुरु अर्जन देव जी ने समूह सिख संगतां नूं रल के कीर्तन करन दी जांच प्रसाद रूप विच दित्ती। इन्हां दे मूड आउण नाल सरदा अते हुनर सिख संगीत दी कीर्तन परंपरा विच होर भी प्रतक रूप विच प्रगट होए। अगे असी पढ़ते हैं कि इस दे विच्चों इस पैरे का जिहड़ा ढुकमा सिरलेख आ वह की बनता है। हाँ जी, इस पैरे का जिहड़ा ढुकमा सिरलेख आ वह की बनता है। देखो, रवाब की तो बहुत घट गल हुई है, गुरु घर के सेवक की घट गल हुई है, पर जे असी देखिए इतने भाई सत्ता ते बलवंत जी की वध गल हुई है, उन्हां बारे वध गल हुई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनूगा कि इसका ढुकमा सिरलेख बनता भाई सत्ता ते बलवंत जी। ठीक है, अगे आ, सत्ता ते बलवंत दी गायकी दा रूप की सी। हाँ जी, सत्ता ते बलवंत इस दी जिहड़ी गायकी दा रूप सी ओह सी, आपां उपर पढ़े आ, जुगली गायकी सी इन्हां दी, जुगली गायकी दे लई मशहूर सी इह। ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर है। अगे आ जी, गुरु ग्रंथ साहिब विच सत्ता ते बलवंत दी रचित केड़ी रचना है। हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज आ इक इन्हां दी रचना, ओह वी आपां उपर पढ़ी आ लाइन, केड़ी रचना दर्ज आ इन्हां द्वारा रचित, रामकली दी वार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हुण देखो, जो भी तुसी पेपर अटैम्प्ट करना तो सब तो पहला असी पंजाब दे स्टूडेंट असी पंजाबी अटैम्प्ट करांगे। इस दे नाल की है कि साढ़े विच एक तां कॉन्फिडेंस बनूगा। ठीक है, कि सानू मतलब जो पोर्शन तुहानू ईजी लगता ना, कई स्टूडेंट्स नू चलो इंग्लिश भी ईजी लगती होगी, तो तुसी इंग्लिश अटैम्प्ट करना, जो तुहानू पोर्शन पहला ईजी लगता तुसी उसनू अटैम्प्ट करोगे तां जो तुहाडा कॉन्फिडेंस वधे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है। असी पंजाबी दा पहला शुरू करांगे जिहड़े स्टूडेंट्स नू पंजाबी वधिया लगती है। तां देखो, सत्ता बलवंत रचित वार दा मुख विशा की सी। हाँ जी, सत्ता बलवंत रचित वार दा जिहड़ा मुख विशा सी ओह सी गुरु जोत दी एकता। गुरु जोत दी एकता, सत्ता बलवंत बलवंड, हाँ जी सत्ता इत्थे बलवंड आ,
मैं बार बार बलवंत बोल दिता। सत्ता बलवंड रचित वार का मुख विशा की सीगा, तो यह सीगा जी गुरु जोत की एकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगे आ गुरु घर विच सत्ता ते बलवंड दा की दर्जा सी। हाँ जी, सत्ता ते बलवंड दा की दर्जा सी गुरु घर दे विच, की सीगा? शरदा ते हुनर वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगे आ जी, हाँ जी, नैक्सट की आ कि तुहानू डिजिटल साक्षरता ते जागरूकता टॉपिक दे विचों एम सी क्यू आ जिहड़े 5 नंबर दे आ, ठीक है। इन्हां विचों किहड़ा सुमेल नहीं है, हाँ जी केड़ा सुमेल नहीं है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूजी पीढ़ी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूजी पीढ़ी, अगे टाइम सांझा करन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम तीजी पीढ़ी, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर दी। जिवें तुहानू पता 5 जनरेशनस मेन आ, ठीक है। तो इन्हां दे विचों किहड़े सही आ जां सुमेल नहीं है, इन्हां विचों किसदा सुमेल नहीं है? तो हाँ जी, इस दे विचों जेकर असीं गल करिए सुमेल दी, तो इस दे विचों सुमेल नहीं गा, ना तो पहला वा तो ना ही दूजा सही आ, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन्हां विचों किहड़ा सुमेल नहीं है? ना तो वन का ही आ तो ना तो टू का ही आ। अगे आ स्पीच पछाण डिवाइस किस तरह का इनपुट लेंदा है? हाँ जी, स्पीच पछाण डिवाइस आ जिहड़ा ये किस तरह की इनपुट लेंदा है? तो यह लेंदा है जी ऑडियो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्पीच ऑडियो, याद रखियो। अगे एम एस वर्ल्ड 2019 विच सर्च विच वायलड कार्ड की वरतों की गई है, ठीक है। एम एस वर्ल्ड 2019 दे विच सर्च दे विच वर्ल्ड कार्ड की वरतों करते समय तुहानू किन्ने अखरां की वरतों करन दिंदा है? तो राइट आंसर है जी एम एस वर्ल्ड 2019 की गल हो रही है, एक सिर्फ असी एक अखर की वरतों कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एम एस पावर पॉइंट 2019 विच नवी प्रेजेंटेशन तैयार करने लई केड़ी शॉर्टकट की जिहड़ी कुंजी आ जां की वरती जांदी आ? तां इस दे विच शॉर्टकट की वरती जांदी आ कंट्रोल प्लस एन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट है जी नैटस्कैप नैविगेटर एक डैश है। हाँ जी, नैटस्कैप नैविगेटर आ जिहड़ा तां उह है जी ब्राउजर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ। ये वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर करना ना भुलना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।